कोरोना के काल में जलगांव जिला में अमलनेर शहर भी एक हॉटस्पॉट बना हुआ था, और इसी को देखते हुए अमलनेर नगर परिषद ने इस कोरोना पॉजिटिव से मृत और संशयित लोगों को मृत्यु का अंतिम संस्कार और विविध धर्म के हिसाब से अंत्य विधि करने का निविदा निकाला था। फर्स्ट टाइम निविदा काढ़ा, किसने रिस्पॉन्ड नहीं दिया। दूसरी बार निकाला तब भी किसने आगे नहीं आया निविदा भरने के लिए। शासन हमें 15,000 10,000 देने के लिए तैयार था, लेकिन हमारे आवाज़ बहुद्देशीय संस्था के 11 लोग हैं और 11 के 11 सब मुस्लिम कार्यकर्ता है। हमने एक मीटिंग ली और इस मीटिंग में ठहराया कि अपन ये काम करेंगे और इस काम का पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक अच्छा काम है, एक सेवा का काम है, और इस काम के जरिए एक हिंदू मुस्लिम का एक अच्छा संदेश जाएगा। और एक काम की शुरुआत हमने 25 अगस्त 2020 को शुरू किया, और इसके माध्यम से करीबन 200 कोरोना पॉजिटिव और संशयित लोगों का हमने अंतिम संस्कार विविध धर्म के हिसाब से किया। इस काम करने के लिए पहले हमको बहुत डर लगा। हमने तो एक काम ले लिया, लेकिन हम विचार में पड़ गए थे कि अरे बाप रे, ये क्या कर डाला हमने। तो पहला दिन ऐसा था कि शायद ही हम घर पर वापस जाएंगे, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम था। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, पाँच दिन बहुत परेशानी, बहुत तकलीफ हुई। हमने 5 दिन तक हमारे घर वालों को नहीं बताया कि हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन जब पता चल गया उनको 5 दिन के बाद, तो हमारे घर वाले रोने लग गए कि आपने क्या किया। और हमारा आवाज़ फाउंडेशन का जो ग्रुप है, उस माध्यम से हम ये कोरोना काल में जो गैर मुस्लिम लोग थे, ये पेशेंट तक भी नहीं आते थे और पेशेंट को देखते भी नहीं थे और पीएम रूम में भी नहीं आते थे। तो हम मुसलमान जो टीम थी हमारी 11 लोग मिल के, हमने सिविल हॉस्पिटल से लेना, एम्बुलेंस में रखना, एम्बुलेंस से यहाँ लाना, यहाँ हमारे ऐसे बॉडी उतारना, वो कीड़ी पे रखना, वो लकड़ी वगैरह लगाने का, और सिर्फ आग लगाने का काम उनके घर का कोई मेंबर को बुला के उनसे कराते थे। वो भी आने को डरता था। हम मुस्लिम जो थे, अल्लाह के सिवा किसी नहीं डर थे। और बाकी मुस्लिम लोग अपने जो मौलवी मुल्ला लोग थे, ये इन्होंने ऐतराज़ करे कि भाई गैर मुस्लिम में जाना नहीं, प्रेत को हाथ लगाना नहीं, जलाना नहीं, करना नहीं। उनको बोला आप खुद आके देखो, खुद करो, प्रैक्टिकल देखो जब बोलना, इसके पहले मसले मसाले नहीं लगाना, किसी का दिल खराब नहीं करना, किसी के दिल में नफरत नहीं पैदा करना। और हमें बचपन से लेकर आज तक हमारे वहाँ कभी कोई दंगा फसाद कोई झगड़ा नहीं है। हमारे यहाँ सकाराम महाराज का यात्रा बढ़ती, पूज्य सानी गुरु जी का मामला चलता है, और हमारी खुद की जो दुकान है, आयुर्वेदिक दुकान है, हमारे दादा से हम पूजा पत्र का सामान बेचते, हिंदू लोगों के टोटल सामान हम लोग बेचते। और हम चाहते कि हमारे से कोई अच्छा काम होए, ताकि अपना लोगों तक ये पैगाम पहुँचे कि नहीं भाई, ये लोग बहुत सही रहते हैं और अच्छे रहते, ये मुस्लिम कौम ऐसी नहीं है। तो हम चाहते कि भाई हमारे से और ऐसा काम होते रहे कि भाई भाईचारा रहे और एकता रहे और अपनापन रहे, इंसानियत बताना है। और मुस्लिम क्या काम कर सकता है, ये पैगाम आम पब्लिक तक पहुँचाना है। आवाज फाउंडेशन ने हमारे को एक पाटिम्बा दिया है। उन्होंने पूरी जान खतरे में डाल के, जो पेशेंट था, घर के लोग उनको हाथ नहीं लगाते थे, उन्होंने बोले अपना गरीब नवाज है, नाना भो तुम हिम्मत मत हारो, शाहनूर शाह बाबा का नाम लो, पेशेंट को उठा के रखो। हमारे आवाज फाउंडेशन के नाविद भाई पठान साहब, इनके साथीदार, ये अमर को सपोर्ट देते थे। सब लोगों के, सब जाति धर्म कुछ नहीं देखते थे, ये अपने गौर गरीब सब अपने भाऊबन की समझ के काम करते थे। मैं जात का एक धनगर है, हाथ से छाती ठोक के बोलूंगा कि इन लोगों ने अपनी भाऊबन की समझ के ये काम किया है। इन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि ये मुसलमान है, ये धनगर है, पाटिल है, ये भील समाज का आदमी है, ये कोड़ी समाज का है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये एक अपने घर के परिवार समझ के इन्होंने काम किया है। इन्होंने करुणा में लोगों के पास कुछ नहीं था, इन्होंने क्या समझा कि हमारे को कुछ नहीं होना, हमारे को सेवा करने की, हमारे को पैसे नहीं होना, इन्होंने वो कुछ पैसे नहीं लिया माध्यम से। इसमें मैं एम्बुलेंस को चलाता था, एम्बुलेंस को ड्राइवर नहीं मिलते थे, खुद एम्बुलेंस चलाना, पेशेंट को वहाँ से उठा के हाथ से हमने बावड़ी को पूरा पैकिंग करना, हमारे हाथ से, कोई डॉक्टर भी उसको ज़्यादा हाथ लगाते नहीं थे, और उसको खुद चला के लाने का और उसको अमरधाम में ला के उसका अंतिम संस्कार करने का खुद। सर काम धंधे का ऐसी बात है कि हम एक दो दिन, हम पूरे 14-15 जितने भी सदस्य थे आवाज़ फाउंडेशन संस्था के, और सदस्य हमारे 14-15 सब साथ में आते थे, लेकिन हम बाद में हमने ऐसी ड्यूटी वाइज टाइम लगा दिया कि भाई अगर आज एक दिन में 3 रही तो 4-4 करके 12 लोग अलग अलग टाइम जाने का, फिर उनके घर का भी देखना पड़ता था। सर तकलीफ तो बहुत है, हमारे घर वाले बहुत रोने लगते थे, बहुत तकलीफ हुई, लेकिन हमने ये काम नहीं छोड़ा सर लोगों के, हम ये करने से हमको दिल को बहुत सुकून लगता,
उसके बाद में हमारे दिल को खुद ऐसा खराब लगता था कि पब्लिक कोई पेशेंट के पास जाता नहीं था, खुद उनका बेटा बाप को हाथ नहीं लगाता था। यहाँ के एकता के हिसाब से हम काम करते, किधर का भी पेशेंट हो, अगर अम्बल का नहीं बाहर की भी आए तो हम करते, कोई एक्सीडेंट पेशेंट हो उसको हम हाथ से उठाएंगे। एक मरतबा पारोला तालुके के एक टीचर्स थे, उनके एक बच्चा जो है वो आर्मी में था, और वो जब एम्बुलेंस के अंदर एडमिट हुए तो उनको पारोले में बेड नहीं मिला, और बहुत दुख भरी दास्तान थी उनकी कि उनके पास सिर्फ उनकी एक लड़की और उनकी एक मिसेस थी, और कोरोना के अंदर किसी ने उनकी मदद नहीं किया। दवा खाने से लेके अमरधाम तक पूरा अंत संस्कार करने का काम आखिर में आवास फाउंडेशन की पूरी टीम ने की। तो उन्होंने हमको कहा कि आपने ये बहुत बड़ा काम किया तो आप हमसे कुछ पैसा लीजिए। हमने उनके पैसों को नकारा, पैसा नहीं लिया। वो 25,000 रुपये दे रहे थे हमको, 25,000 रुपये का उनको कहा कि ये गोर गरीब भूखमरी के शिकार हो रहे हैं कोरोना काल में, तो आप ये पैसों का हमको ना देते हुए अन्नदान कर दीजिए। उन्होंने हमारी बात को अमल किया और वो पैसे हमने स्वीकारा नहीं, और उन्होंने अन्नदान किया वो पैसों का। शासन के जो गाइडलाइन थे, शासन के गाइडलाइन के अनुसार शासन उनके परिवार को बॉडी नहीं दे पा रही थी, तो वो बॉडी का किया क्या जाना चाहिए। अम्बलनेर नगर पालिका ने उसका एक टेंडर निकाला। टेंडर जब पहली मरतबा निकला तो अम्बलनेर नगर पालिका ने उसका 10,000 रुपये रेट रखा था, फिर वो टेंडर किसी ने नहीं लिया। फिर अखबारों में और खबरें आई और उसका रीटेंडर हुआ, दोबारा टेंडर निकला। जब दोबारा टेंडर निकला तो उसका 15,000 रुपये रेट था एक बॉडी डिस्पोज करने का, वो भी किसी ने नहीं लिया। तो खबरें देखकर आवास फाउंडेशन के सभी मेंबरों ने एक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुला के ये प्रस्ताव रखा कि जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है इसका अंत्यविधि जो भी मज़हब के हिसाब से जो भी पेशेंट आएगा उसका मुफ्त में काम करने का फैसला लिया। हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ये मांग की कि ये जो कार्यकर्ता है, जो लोग गुजर गए, उनका दहन विधि, दफन विधि कोरोना के पेशेंट होने के बावजूद कर रहे हैं, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से 50,00,000 रुपए का बीमा संरक्षण मिलना चाहिए। हम जो चाहते थे वो नहीं हुआ, इन नौजवानों को कोई बीमा का संरक्षण नहीं मिला। लेकिन जिस तरह से हिंदू मुसलमान का माहौल बनाकर देश में बड़ी मात्रा में दो गुटों में देश बांट दिया जा रहा है, वो देखते हुए ये नौजवान ये सब बात बाजू रखकर, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है ये ध्यान में रखते हुए, साने गुरुजी की ये जो कर्म भूमि है, खरा तो एक अच्छी धर्म जगाला प्रेम अर्पावे, ये जो प्यार का संदेश है वो संदेश अपने दिल में लिए बड़ी हिम्मत के साथ अपने जान की परवाह किए बगैर आगे आ रहे थे, और उन लाशों का दहन विधि और दफन विधि दोनों बड़े सलूक से और पारंपरिक पद्धति से कर रहे थे। ये बात हम सबके लिए एक प्रेरणादायी बात थी, देश के खासकर उन जवानों के सामने कि जो किसी धर्म के आंधी में बह जाते उनके सामने एक आदर्श रखने वाली बात थी। इन जवानों का जितना भी उनके काम की सराहना करेंगे उतनी भी कम है, कि बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिनका काम बहुत छोटा था लेकिन उनको बहुत बड़े बड़े कोरोना युद्ध के पुरस्कार दिए गए, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा था, इन्होंने अपनी जान पर खेलकर ये सब काम किया था। तो जिस अंदाज में इन सब का मान सम्मान होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है।